नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। चलते हैं आज की इस खास खबर की ओर। बिल्कुल, ये बहुत एक अच्छी खबर है। हमारी भारत की जो नई शिक्षा नीति है, जो बिल्कुल धार्मिक और भारतीय मूल्यों पर भारतीय संस्कृति के आधार पर तैयार की गई है, एक बड़ी खुशखबरी है। और ये 26 जनवरी बसंत पंचमी के पावन पर्व पर ये लागू की जाएगी। और एक कई दो साल से लगभग इसका इंतजार हो रहा था कि कब लागू होगी, तो अब वो समय आ गया है। नए वर्ष में, अपने इस नूतन वर्ष में 26 जनवरी के अवसर पर, बसंत पंचमी के पवित्र त्यौहार पर ये नई शिक्षा नीति लागू होने वाली है। और ये नई शिक्षा नीति में हम सभी के लिए कुछ न कुछ संभावनाएँ हैं, कुछ न कुछ उनका भविष्य उज्जवल होने वाला है। और ये नई शिक्षा नीति देश के अंदर एक वैचारिक क्रांति के रूप में प्रस्तुत होगी और यहाँ के युवाओं को एक नया आयाम स्थापित करने का मौका मिलेगा। ऐसी शिक्षा नीति हमारे देश में 26 जनवरी को लागू होने जा रही है, जैसा कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी द्वारा अपनी घोषणा की गई है। और हम सभी बेसब्री से इसका इंतजार कर रहे हैं। हमारे अनुदेशकों के लिए भी इसमें बहुत कुछ खास है। अभी तक जो हम बात कर रहे थे कि अनुदेशक रहेंगे या निकलेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। नई शिक्षा नीति के जो अभी पहलू निकल कर आ रहे हैं, उसमें क्लियर दे रखा है कि अभी तक जो भी हमारी चीज़ें हैं वो हमारी सारी चीज़ें क्लियर रहेंगी। अभी तक ये था कि 100 संख्या से ऊपर वाले विद्यालयों में ही अनुदेशकों के तैनाती का विचार था, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें ही कहा गया है कि सभी जितने भी बेसिक के स्कूल हैं, सभी प्रसिद्धि विद्यालयों में अनुदेशकों की तैनाती होगी, जिससे उनके अंदर खेल स्वास्थ्य, इसके अलावा पर्यावरण और कार्य अनुभव और कला के प्रति विद्यार्थी जागरूक हों और ये चीज़ें उनके व्यवहार में, उनके स्वभाव में, उनके व्यक्तित्व के निर्माण में सहायक हों। इसी क्रिया को लेकर ये नई शिक्षा नीति 26 जनवरी बसंत पंचमी के पावन मौके पर लागू होने वाली है। आप सभी को इसके लिए अग्रिम शुभकामनाएं और ये एक नई क्रांति लाएगी। तो कह सकते हैं सर, संविदा जो शब्द है वो जहाँ तक है, नई शिक्षा नीति लागू हो गई, हट जाए। हाँ, नई शिक्षा नीति में संविदा नाम का कहीं भी कोई भी शब्द नहीं है। तो हम लोग ऐसी उम्मीद करते हैं, ऐसी है कि संविदा शब्द अब नहीं रहेगा। जितने भी संविदा पर कर्मचारी हैं, वो सरकार उनको नियमित करने पर विचार करेगी, उनके लिए कोई ना कोई योजना, कोई ना कोई ऐसी कार्य योजना जरूर तैयार करेगी, जिससे उनका भी भविष्य इसमें सुनिश्चित हो सके। थैंक यू।